वे प्रोटीन का क्या कोरिलेशन है सफ़ेद दाग के साथ? क्या सफ़ेद दाग के पेशेंट्स को, जिम जाने वाले लोगों को वे प्रोटीन लेना चाहिए? कहीं वे प्रोटीन से विटिलिगो की ऑनसेट तो नहीं शुरू हो जाता है? तो डिस्कस करते हैं ऐसी तीन चीज़ें जो वे प्रोटीन में होती हैं जिससे कि विटिलिगो को अफेक्ट हो सकता है। वो तीन चीज़ें हैं सिस्टीन। सिस्टीन भी एक्चुअली थायोल प्रोड्यूस करता है बॉडी में जाके, जो कि मैंने पहले बताया अभी आपको, सेब और प्याज में मिलता है थायोल अधिक मात्रा में। सिस्टीन भी एक कंपाउंड है जो वे प्रोटीन में मिलता है, जो थायोल प्रोड्यूस करता है, और अगेन ये फ्री रेडिकल को कम करता है, पित्त को कम करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हमारी बॉडी में कम करता है और बेनिफिशियल है विटिलिगो पेशेंट्स के लिए। सेकेंड चीज़ जो है वो है लैक्टोफेरिन। लैक्टोफेरिन का मतलब है कि आयरन बाउंडिंग प्रोटीन है। ये हमारे शरीर में जो आयरन होता है उसको बांध के रखता है। तो जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया कि जब तक हीमोग्लोबिन का लेवल 11 नहीं हो जाएगा तब तक विटिलिगो पेशेंट्स में उतनी अच्छी इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। 6-7 अगर आपका हीमोग्लोबिन है तो आपको आयरन डिफिशेंसी है, आपको आयरन चाहिए बॉडी में। तो लैक्टोफेरिन एक ऐसा प्रोटीन है जो आयरन को बांध के रखता है हमारे ब्लड के अंदर, और ये वे प्रोटीन में मिलता है एक्चुअली। तो लैक्टोफेरिन भी रिक्वायर्ड है विटिलिगो पेशेंट्स में। थर्ड जो चीज़ है वो है लैक्टोप्रीऑक्सीडेज। और लैक्टोप्रीऑक्सीडेज क्या करता है, जो हमारी बॉडी में हैवी मेटल्स होते हैं उनकी चिलेशन या उनकी न्यूट्रलाइजेशन करता है। और ये हैवी मेटल्स भी एक्चुअली सेम पाथवे पे ऐड कर रहे हैं, ये भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारी बॉडी में कर रहे हैं। घुमा फिरा के सारी चीज़ें जो विटिलिगो का पाथवे अब तक दुनिया में आइडेंटिफाई हुआ है वो है फ्री रेडिकल की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यानी कि पित्त की उत्पत्ति, यानी कि रंग बनाने वाली कोशिकाओं पे हमला होना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का, और ऑटो एंटीबॉडीज़ का बनना जो जाके हमारे मिलानोसाइट्स पे अटैक करती हैं।